झांसे में न आना है, चोरों को भगाना है। ये शख्स रामदेव है, इसे लाला रामदेव भी कहा जाता है। ये शख्स झांसा देने में महारत रखता है। इसने मोदी सरकार की मदद से 4,350 करोड़ में रुचि सोया को खरीद लिया। इस खरीद के साथ ही मोदी सरकार ने इस कंपनी का 2,212 करोड़ कर्ज को माफ कर दिया। रुचि सोया को खरीदने के लिए मोदी सरकार ने रामदेव और झांसा राम को 3,200 करोड़ रुपए बैंक से कर्ज दिलाया और फिर 2,212 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया। किसानों का कर्ज माफ करने के लिए मोदी सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन यही मोदी सरकार पूंजीपतियों का 4,00,000 करोड़ कर्ज माफ कर चुकी है। ये वही झांसा राम है जिसने मिलावटी शहद बेचकर भारत को बीमार किया और शहद के नाम पर चीनी रसायन भारतीयों को पिलाया। ये वही झांसा राम है जिसने कोरोना की नकली दवा बनाकर भारतवासियों को लूट लिया। झांसे में न आना है, चोरों को भगाना है।